लखनऊ से बड़ी खबर है। आज जुमे की नमाज को लेकर संवेदनशील जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने कड़े निर्देश दिए हैं। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्ती हो, ये सीएम योगी की तरफ से निर्देश दिया गया है। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। मस्जिदों के सामने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह कानपुर में हिंसा हुई उसके बाद आज ये पहला जुमा, और ऐसे में सीएम ने जुमे की नमाज को लेकर संवेदनशील जगहों पर अलर्ट रहने के निर्देश तो जारी ही किए हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, साथ ही ये भी क्लियर कर दिया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्ती बरती जाए। जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी एसपी को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने यह निर्देश जारी किए हैं। सड़क पर नमाज ना हो ये एडीजी की तरफ से कहा गया। अनावश्यक भीड़ ना लगने दी जाए ये भी निर्देश एडीजी की तरफ से दिए गए हैं। बड़ी खबर ये इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, सभी एसपी को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। कानपुर हिंसा के बाद आज जुमे की नमाज होने जा रही है और उससे पहले अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही ये भी क्लियर कर दिया गया है कि अनावश्यक भीड़ ना लगने दी जाए, सड़क पर नमाज ना हो ये निर्देश एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से जारी किए गए हैं। कानपुर से बड़ी खबर है, जुमे की नमाज से पहले सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है। हिंसा वाले इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां पर अगर बात करें 3 किलोमीटर के दायरे में 5,000 जवानों की तैनाती की गई है। हिंसा वाले इलाके में ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। बड़ी खबर ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये देखिए कानपुर से अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और जो हिंसा वाला इलाका है वहां पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। यहां 3 किलोमीटर के दायरे में 5,000 जवानों की तैनाती की गई है।